सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में स्केल नंबर 15 की कागज बाट करेंगे। इसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ 59 सेंटीमीटर और हाइट है 105 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए हमने कागज को हाइट की तरफ रखा हुआ है और इसमें फुट्टा हमें यूज करने को कहा गया है 1.10 सेंटीमीटर। तो ये आपका फुट्टा है, 1.10 सेंटीमीटर फुट्टा है, ये हम इसमें यूज करेंगे। इसकी लेंथ 90 और ब्रेथ 59 जो है ये जोड़ करके होता है 149। तो हम यहाँ पे 149 जो है वो लेंगे। तो ये आपका है 150, इसमें से हमने एक जो है वो कम यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हम एक कम कर देते हैं इस तरह से। और बची हुई शीट के हमने बराबर तीन भाग करने हैं, उसके लिए हमने यहाँ से एक न्यून कोण बनाना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने बराबर तीन निशान भी लगाने हैं, एक दो और तीन। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, और जो ये तीन है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे हमने इसको मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हमने इसी के समानांतर रेखा लेनी है 2 से इस तरह से, और फिर लेंगे हम 1 से इस तरह से। अब हमने इसको नापना है क्या ये हमारा सही है, तो ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3 बिल्कुल बराबर है। तो हमने एक भाग यहाँ से छोड़ना है इस तरह से, और अब हम छोड़ेंगे इसकी प्रॉपर लेंथ जो है वो हम लेंगे। इसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये आपका 90, उसके बाद एक भाग यहाँ से इस तरह से। इसके बाद हम देखेंगे ब्रेथ, और ये आप देख सकते हैं इसकी ब्रेथ है 59, तो आप ये देख सकते हैं ये 60 है, 60 से एक कम है यहाँ पे 59 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हमने नीचे इसमें यहाँ पे पहले एक भाग यहाँ से एक भाग, उसके बाद हम इसमें काटेंगे इसकी प्रॉपर, इसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे, और इसकी लेंथ है हमारी 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद एक भाग इस तरह से, ये दूसरा भाग हमारा है, और उसके बाद 59 हमने यहाँ से काटनी है। इसकी ब्रेथ ये 60 है, तो एक कम हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, और हमने इसको मिलाना है, और हल्के हाथों से हम जो है उसको मिलाएंगे इन लाइनों को यहाँ से। यहाँ देख सकते हैं चार लाइनें इसमें लगती है यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हमने क्या करना है, इसमें ब्रेथ और हाइट जितनी हमारी है ये 59 और 105, 59 और 105 ये जोड़ के होते 164, तो हम यहाँ से 164 सेंटीमीटर काटेंगे। ये आपका 50, 60, 65 से एक कम ये 64 है, तो हमने यहाँ से बची हुई शीट के बराबर पांच भाग करने, उसके लिए हमने यहाँ से न्यून कोण बनाना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने पांच निशान हमने लगाने हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और यहाँ काउंटिंग भी लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5
तो हमने क्या करना है, पांच जो पॉइंट हमारा आया है इसको लास्ट पॉइंट हमारा जो है जो हमने हाशिया लगाया है उसके साथ इससे मिला देंगे यहाँ से। इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है चार से और फिर तीन, दो, एक इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि बराबर है, तो यहां से एक दो तीन चार पांच बिल्कुल बराबर है, यहां से दो भाग इतनी प्रकार हमने खोलनी है। और यहां हम ऊपर से इसको काट देंगे यहां से इस तरह से। हम यहां पे दो भाग हमने छोड़ दिए हैं। इसके बाद हम लेंगे इसकी प्रॉपर हाइट, और इसकी हाइट है 105 सेंटीमीटर। यहां से ये आपका 100 और ये 105। उसके बाद दो भाग जो हमने पहले छोड़े थे उसका एक भाग हम यहाँ पे अब काटेंगे। ये तीसरा भाग हमारा हो जाता है, पांच भाग जो हमने किए थे उसमें से ये तीसरा भाग आ गया है। और अब हमने लेनी है इसमें इसकी ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ इसकी है 59 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 60 में से एक कम यहाँ पे है, 59 इस तरह से। और हमने यहाँ से लेनी है इसके दो भाग जितनी प्रकार खोलेंगे हम यहाँ से, और यहाँ हम इसको काट देते हैं यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम काटेंगे इसमें इसकी हाइट, हाइट है 105 सेंटीमीटर। यहाँ से 105, उसके बाद एक भाग यहाँ देख सकते हैं, एक भाग यहां से। उसके बाद हम काटेंगे इसमें ब्रेड्थ, और जो कि है हमारी 59 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये 50-60 में से एक कम हम काटेंगे, 59 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम इन लाइन को मिला देते हैं यहां से इस तरह से। ये हमारी है पहली लाइन आएगी, इसमें हम एलिवेशन बनाएंगे। और ये हमारी आएगी दूसरी लाइन, ये हमारी होगी आधार रेखा, तो हम इसको पूरा लगाएंगे, एक्स वाई लाइन होगी ये हमारी। और ये हमारी होगी तीसरी लाइन, ये हमारी है प्लान और प्रोजेक्शन के लिए। यहाँ से हम थोड़ी इसको बढ़ा देंगे, और ये जो हमारी लाइन लास्ट लाइन है ये हमने लगानी है सिर्फ यहाँ पर इस तरह से। यहाँ हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है इनको हम यहाँ से मिटा देते हैं, और जो हमारी लाइट लाइन है इनको हम डार्क कर देते हैं इस तरह से। हम फालतू लाइनों को इसमें से मिटा देंगे, लाइट लाइन को डार्क कर देंगे। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, इस तरह हम इसमें एक्स वाई लाइन लिखेंगे। और यहाँ पे हम इसमें इसकी हाइट और ब्रेड्थ, ये हम यहाँ हाइट लिखेंगे, यहाँ हम इसकी ब्रेड्थ लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसकी लेंथ लिखेंगे इस तरह से। ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसमें लिखनी होती है। तो इसकी हाइट है 105 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 59 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसमें एलिवेशन लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसमें साइड
प्लान प्रोजेक्शन। यहां हम इसमें स्केल नंबर जो हमें यूज करने को कहा गया 1.10 सेंटीमीटर, और यहां पे हम इसमें फुटआउट बना भी देंगे इस तरह से। ये दो नंबर का काम है, दो नंबर की आपकी पेपर डिवीजन है, ये आपकी स्केल नंबर 15 है, ये आपकी बनके तैयार हो गई है। और हमने 1 से लेकर के 32 तक जितनी भी स्केल है आपकी, ये 9th की और 10th की, सबकी मैंने पेपर डिवीजन की और सॉल्व स्केल की वीडियो बना दी है, सब अपलोड है। सबके लिंक आपको वीडियो में मेरे मिल जाएंगे। इसका भी सॉल्व का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं सॉल्व स्केल को। और इस तरह से कंप्लीट आपका काम अब हो गया है। कोई भी और आपका कोई प्रश्न है, कोई आप चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि आपके समस्या का समाधान हो, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो मैं करवा सकूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।